राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए लोकसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में होने वाले बदलावों का जिक्र किया और कहा कि इस बिल के साथ महिला अधिकारों की एक लंबी लड़ाई का अंत होगा, साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले देश के विकास की शुरुआत हो सकेगी। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सात अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 303-30 ए जो लोकसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए जो राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।